लालटेन के सामने में कहीं भी कीचड़ नहीं दिखाई देता, रोड इतनी साफ है और सड़क का किनारा भी इतना साफ है, कीचड़ रहेगा तब ना कमल खिलेगा, कीचड़ है ही नहीं जो कमल खिलेगा। कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, इस पर क्या कहना है? देखिए, बीजेपी जुमलेबाजी केवल करती है, जुमलेबाजी से चुनाव नहीं होता, चुनाव वोट से होता है और वोट लालटेन के पक्ष में है। चारों तरफ किधर घूम रहे हैं लालटेन ही लालटेन दिखाई दे रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज फोर नेशन पर। बिहार के दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बात मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव की है तो मोकामा में इस बार बीजेपी ने जो है ताल ठोक रखी है, तो आरजेडी के प्रत्याशी मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशी जो हैं महिला हैं और दोनों के बीच मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार करने के लिए लालू यादव के खास और जिनको लालू यादव का हनुमान कहा जाता है भोला यादव पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो है बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी पर हमला बोलते हुए भोला यादव ने कहा है कि बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है। उन्होंने कहा है कि मोकामा में राजद की आंधी बह रही है और जीत राजद प्रत्याशी की होगी। मोकामा में पत्रकारों से बात करते हुए भोला यादव ने कहा कि राम के नाम पर जीत की भाजपा की उम्मीद पर पानी फिरने वाला है। मोकामा में हर तरफ लालटेन जल रहा है, जनता भाजपा को नकार चुकी है। आपको बता दें कि भोला यादव ने ये बातें कही हैं मोकामा उपचुनाव के दौरान प्रचार में पहुंचने पर। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। या कमल खिलेगा सो बताइए, हमसे ज़्यादा आप घूम रहे हैं, आप जान रहे होंगे, लालटेन के सामने में कहीं भी कीचड़ नहीं दिखाई देता, रोड इतनी साफ है और सड़क का किनारा भी इतना साफ है, कीचड़ रहेगा तब ना कमल खिलेगा, कीचड़ है ही नहीं जो कमल खिलेगा। विपक्ष सर लगातार एक अथी चलाई जा रही है कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, फिर से बोलिए। बीजेपी के द्वारा एक अथी चलाया जा रहा है लगातार गानों के माध्यम से या फिर अन्य अथी के माध्यम से कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, इस पर क्या कहना है? देखिए, बीजेपी जुमलेबाजी केवल करती है, जुमलेबाजी से चुनाव नहीं होता, चुनाव वोट से होता है और वोट लालटेन के पक्ष में है। चारों तरफ किधर घूम रहे हैं लालटेन ही लालटेन दिखाई दे रही है, इसलिए कहीं जुमलों का के प्रयोग से कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे कैंडिडेट निश्चित रूप से जीतेंगे, भारी वोट से जीतेंगे। या कमल खिलेगा सो बताइए, हमसे ज़्यादा आप घूम रहे हैं, आप जान रहे होंगे, लालटेन के सामने में कहीं भी कीचड़ नहीं दिखाई देता, रोड इतनी साफ है और सड़क का किनारा भी इतना साफ है, कीचड़ रहेगा तब ना कमल खिलेगा, कीचड़ है ही नहीं जो कमल खिलेगा। विपक्ष सर लगातार एक अथी चलाई जा रही है कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, फिर से बोलिए। बीजेपी के द्वारा एक अथी चलाया जा रहा है लगातार गानों के माध्यम से या फिर अन्य अथी के माध्यम से कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, इस पर क्या कहना है? देखिए, बीजेपी जुमलेबाजी केवल करती है, जुमलेबाजी से चुनाव नहीं होता, चुनाव वोट से होता है और वोट लालटेन के पक्ष में है। चारों तरफ किधर घूम रहे हैं लालटेन ही लालटेन दिखाई दे रही है, इसलिए कहीं जुमलों का के प्रयोग से कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे कैंडिडेट निश्चित रूप से जीतेंगे, भारी वोट से। तो बता दें कि बिहार की दो सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाने वाले हैं। मोकामा और गोपालगंज की सीट है। मोकामा की सीट अनंत सिंह को एक मामले में 10 साल से अधिक की सजा होने की वजह से खाली हुई, तो गोपालगंज के विधायक के असामयिक निधन की वजह से वो सीट खाली हुई है और इन दोनों सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके चुनावी नतीजे 6 नवंबर को आ रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में आरजेडी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है, लिहाजा पूरा महागठबंधन एक तरफ जहां बीजेपी को हराने के लिए लग गया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी जीत के लिए जो है लगातार कैंपेन कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।